सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा तो उसी के अनुसार आपको वीडियो पूरी मिलेगी, कोई क्लिकबेट नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम चलती हुई गाड़ी में एकदम से रिवर्स गियर लगा दें तो क्या होगा। सो जो पुराने ड्राइवर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हैं उन्हें तो ये चीज़ अच्छी तरीके से मालूम होगी, लेकिन जो लोग नए हैं और नई नई ड्राइविंग सीखी है, जिनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है इन सब चीज़ों को लेके, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो वैसे ये आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। सो आप इसे अपनी गाड़ी पर ट्राई करने की कोशिश ना करें। और ये जो मैं करने जा रहा हूँ अपनी टाटा टियागो पे पर्टिकुलर करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं खड़ी गाड़ी में रिवर्स गियर आपको लगा के बताता हूँ, चलती हुई गाड़ी में तो फिर लगाएंगी। तो जैसे मैंने पांचवा गियर लगाया, मैं पांचवा गियर के जस्ट बाद या फोर्थ या थर्ड गियर के बाद एकदम से चलती हुई गाड़ी में रिवर्स गियर आपको लगाऊंगा, ठीक है। सो कभी भी हम एक चीज़ आपको बताऊं कि पांचवा गियर के जस्ट बाद अगर सिंगल पीछे की तरफ रिवर्स गियर लगाने की कोशिश करते हैं तो रिवर्स गियर नहीं लगता है। कभी भी आप कोशिश करेंगे तो रिवर्स गियर नहीं लगेगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि न्यूट्रल में पहले गाड़ी को लेके जाना होगा, जैसे मैं न्यूट्रल में ले गया कि फिर उसके बाद रिवर्स गियर आपका इंगेज होगा, क्योंकि रिवर्स गियर में सिंक्रोनाइज़र नहीं होते हैं जो कि आगे के पांच गियर में होते हैं। लेकिन आप ये मत सोचें कि इसमें तो केवल रिवर्स गियर नहीं लगता, ये बता दिया। मैं चलती हुई गाड़ी में आपको बताता हूँ कि जब रिवर्स गियर नहीं लगता और आप रिवर्स गियर लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या इसके नुकसान होते हैं, गाड़ी कैसे रिएक्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है। अब मैं फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ, ये मैंने हैंड ब्रेक उतार दिया और गाड़ी को थोड़ी सी स्पीड में लेंगे। सो भाई एक चीज़ है कि जो रिएक्शन गाड़ी 80 की स्पीड पे देगी रिवर्स गियर लगाने पे, वही रिएक्शन 10, 20, 30, 40 की स्पीड पे देगी। सो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ी कम स्पीड में ही कर लिया जाए, इतनी जगह भी नहीं है यहाँ पर कि एकदम हाई स्पीड करी जाए। सो हम थोड़ा सा ही स्पीड बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर करके देखेंगे कि उसके बाद फिर इसमें रिवर्स गियर लगा करके देखेंगे, देखते हैं गाड़ी क्या रिएक्शन देती है। सो हम थोड़े से अभी सीधे पैच में आ गए हैं और ये मैंने थर्ड गियर लगा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मैंने फोर्थ गियर लगा दिया है और अब मैं रिवर्स गियर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आवाज़ सुन रहे हैं आप। सो यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए रिवर्स गियर का जो साइन है वो ये देख सकते हैं आप, ये दिखा रही है गाड़ी और कुछ इस तरीके की आवाज़ कर रही है। एक बार मैं माइक आपको गियर बॉक्स के पास करके बताता हूँ, कुछ इस तरीके से गाड़ी आवाज़ कर रही है। मैंने पूरा क्लच दबाया हुआ है लेकिन फिर भी गाड़ी रिवर्स गियर में नहीं लग रही है। और ये जो आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब गियर बॉक्स में कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। सो इस चीज़ को आप ट्राई ना करें और यही होता है। हालांकि भाई इस ये जो आजकल की गाड़ियाँ होती है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, तो इनमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता भाई, मतलब कि वो इंगेज होगा ही नहीं। उसके बाद भी अगर आप इंगेज करने की कोशिश करते हैं तो भाई सीधी सी एक ही चीज़ होगी, वो होगा कि आपका गियर बॉक्स टूट जाएगा, आपके गियर टूट जाएंगे अंदर की तरफ और फिर गाड़ी में अच्छा खासा हज़ारों का और हो सकता है लाखों का भी खर्चा चला जाए। सो इस चीज़ को ट्राई मत करना। और नॉर्मली अगर गलती से आपसे अगर पांचवें गियर के बाद रिवर्स गियर पे अगर वो चला भी जाता है तो गाड़ी आपको वार्निंग देगी प्रॉपरली और रिवर्स गियर इंगेज नहीं करने देगी। सो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।